लोगों ने गुटखा थूक थूक के इतने पुराने हावड़ा ब्रिज जैसे मजबूत पुल को भी कमजोर कर दिया। ज्यादा थूकने की वजह से उसका एक हिस्सा जो है इंक्लूडिंग सोनू सूद एग्री हो गए थे पैसा लेके पॉलिटिकल पार्टीज को प्रमोट करने के लिए। आईटीसी ने कांग्रेस को 20 करोड़ रुपए दिए, बीजेपी को 23 करोड़ रुपए दिए, लेकिन हमारे जो हीरो थे वो बहुत ही आसानी से लोगों की जान दांव पे लगाने को रेडी हो गए। शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, तीन बड़े सेलिब्रिटीज ने म्यूजिक सिटी के अंदर स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। लेकिन आप हैरान हो जाओगे कि सचिन ने उस वर्ल्ड कप में बिना स्पॉन्सर किए हुए बैट से खेला। रॉयल चैलेंजर नाम से पूरी टीम आईपीएल की बना दी गई। इसको लेके भी कोर्ट के अंदर कई लोग चले गए थे ताकि बच्चे को समझ में आए कि मुंह में रजनीगंधा डालने से दुनिया कदमों में आ जाती है। देखिए, हम सबको ऑलरेडी पता है कि एक इंसान के लिए टोबैको कितनी खराब चीज है। हर साल 1.35 मिलियन लोग सिर्फ इस टोबैको को यूज करने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। मतलब कि हर दिन 3,699 और हर घंटे 154। अभी ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये वीडियो खत्म होते होते 60 लोग इंडिया के अंदर टोबैको यूज करने की वजह से अपनी जान गंवा चुके होंगे। देखिए, टोबैको का जो नुकसान है वो हर किसी को पता है, लेकिन उसके बाद भी 30% पॉपुलेशन यानी कि 194 मिलियन लोग टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं। इनफैक्ट स्मोकलेस टोबैको जो है वो इंडिया के अंदर बैंड है, लेकिन उसके बाद भी 21.4% अडल्ट जो है वो स्मोकलेस टोबैको यूज कर रहे हैं और 2 लाख से ज्यादा लोगों की तो जान चली गई इसी की वजह से। अब इसमें आप ये कहोगे कि एक चीज जो बैंड है वो लोगों तक पहुंच कैसे जा रही है और इस लेवल तक पहुंच जा रही है कि लाखों में लोगों की जान चली जा रही है। और ऐसा भी नहीं है कि ब्लैक मार्केटिंग की वजह से पहुंच रहा है, छोटी छोटी ट्रिक्स खेल के एक प्लान तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक लोगों की जान दांव पे लगा के पूरा खेल हो रहा है, जिसमें आपके फेवरेट एक्टर से लेके पॉलिटिशियंस तक सब इन्वॉल्व हैं। अब देखिए, जो टोबैको सिगरेट वगैरह, ऐसा नहीं कि कोई पेड़ से सीख के आता है, यहीं आसपास से लोग सीखते हैं। अगर कोई बच्चा है उसको पता ही ना लगे उसके फेवरेट एक्टर या स्पोर्ट्स पर्सन से कि ये सारी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको लत नहीं लगेगी। अब आपको जो एडवर्टीजमेंट वगैरह की आप बात कर रहे हो, ये तो ऑलरेडी टीवी पे बैंड है, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो देखिए, अभी सारी चीज मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पहले क्या होता था कि ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ये टीवी पे खुलेआम टोबैको, अल्कोहल, इन सबके एडवर्टीजमेंट करते थे। लेकिन ईयर 1986 और 1990 में WHO ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें ये था कि सारी कंट्रीज जो हैं उनको टोबैको के अगेंस्ट में एक्शन लेना होगा, अलग अलग स्टेप करने होंगे। तो इसमें इंडिया ने भी साइन किया था। तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया के अंदर केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट था ये 1995, इसको लेके आ गया वो, जिसमें इंडियन केबल नेटवर्क जो पहले धड़ल्ले से अल्कोहल और सिगरेट वगैरह का ऐड कर लेते थे वो बैंड हो गया। लेकिन उसके बाद भी छोटे मोटे तरीके से स्पोर्ट्स इवेंट वगैरह जो होते थे उसके थ्रू ऐड चल रहे थे। अब जो सिगरेट पी रहे थे उनकी तो बात ही छोड़ो, वो तो तादाद उनकी बढ़ी रही थी, लेकिन 1.3 मिलियन लोग, उस टाइम की स्टडी पे ये पता चला कि 1.3 मिलियन लोग ऐसे थे जो सिगरेट पीने वालों के साथ खड़े थे, पैसिव स्मोकर थे, उनकी जान जा रही थी हर साल। और 24 मिलियन लोग ऐसे थे जो डिसेबल हो गए थे, वो पी नहीं रहे थे, बस सिगरेट पीने वालों के साथ में थे, पैसिव स्मोकर थे। और ये बहुत ही बड़ा नंबर था, तो इससे ये समझ में आ गया था इंडियन गवर्नमेंट को कि और स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और फिर 2003 में आया सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, कोप्टा नाम से। और इसके आने के बाद जो रूल्स थे उनमें मेजर चेंजेस आए, जैसे पब्लिक प्लेस पे स्मोक करना बैन कर दिया गया क्योंकि पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी डेथ हो रही थी। और बोला गया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो 100 यार्ड के एरिया के पास नहीं बेच सकते कोई भी टोबैको का प्रोडक्ट। 18 साल से कम की एज के जो लोग थे उनको अलाउ नहीं किया गया ये सारा कुछ यूज करने के लिए। इस एक्ट के आने के बाद सबसे बड़ा झटका ये लगा कि ये जो छोटे मोटे एड चल रहे थे अलग अलग तरीके से, उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। बेसिकली इस एक्ट के आने के बाद एडवर्टीजमेंट के लिए कंपनी के पास दो ही ऑप्शन बचे थे, एक तो वो टोबैको की जो पैकेजिंग है उसके ऊपर ऐड कर सकती थी, और दूसरा पॉइंट ऑफ सेल, मतलब कि जहां से कस्टमर खरीद के पेमेंट कर रहा है उस जगह पे ऐड कर सकती थी। बस ये 2 जगह ही ऐड कर सकती थी, बाकी सारे रास्ते जो थे वो बंद हो गए थे। तो ये जो एक्ट आया था इसमें कोई भी प्रोडक्ट बैन नहीं हुआ था, बस एडवर्टीजमेंट को लेके और अलग अलग रूल्स बनाए गए थे, लेकिन प्रोडक्ट जो था वो कोई भी बैन नहीं हुआ था। अब इसके बाद ईयर आता है 2011 और इसमें एक प्रोडक्ट बैन हुआ, और वो कैसे बैन हुआ उसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको पान मसाला का जो स्ट्रक्चर है वो समझाना पड़ेगा। तो देखिए, पान जो है वो इंडिया के कल्चर का हिस्सा बहुत पहले से रहा है। पान के अंदर नॉर्मल सुपारी, गुलकंद, इलायची वगैरह डाल के लोग बहुत पहले से खाते आए हैं। अब इसके बाद जब टेक्नोलॉजी आई तो इस पान को क्या किया, डिहाइड्रेट करके यानी कि सुखा लिया गया और एक पैकेट में बंद करके बेचा जाने लगा, जिसको बोला गया पान मसाला। और फिर जब पान अच्छी तरीके से बिकने लगा तो इसकी आदत लगाने के लिए इसके अंदर प्रोसेस टोबैको यूज किया गया और उस चीज को बोला गया गुटका। कहीं कहीं पे पुड़ी भी बोलते हैं, कहीं पे पुड़की भी बोलते हैं। और ये जो गुटके का पैकेट था ये ज्यादा टाइम तक चले, खराब ना हो, इसके अंदर बहुत अलग अलग केमिकल्स मिलाए गए, आदत लगे उसके लिए मैग्नीशियम वगैरह बहुत सारी चीजें डाली गई इसके अंदर। 40 से भी ज्यादा सब्सटेंस इसमें ऐसे मिले जो कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। और सिगरेट के कंपैरेटिवली ये ज्यादा डेंजरस इसलिए हो रहा था क्योंकि गुटका जो था वो डायरेक्ट मुंह में जा रहा था, तो जो कैंसर वाले सब्सटेंस थे वो डायरेक्ट आपके पेट में जा रहे थे। तो ओरल कैंसर जो था वो इंडिया के अंदर
रिकॉर्ड तोड़ से आगे बढ़ने लगा। मतलब जितने भी इंडिया के अंदर ओरल कैंसर हो रहे थे उसमें से 90% गुटके की वजह से हो रहे थे। तो इसको देख के गवर्नमेंट ने द फेडरल फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन एक्ट लेके आई। तो इस एक्ट के हिसाब से जो टोबैको है अब वो किसी भी फूड आइटम में नहीं यूज किया जाएगा। तो एक तरह से गुटका बैंड हो गया, क्योंकि गुटका बनता था तंबाकू को पान मसाला में मिला के, लेकिन पान मसाला जो था वो FSSAI में एज अ फूड रजिस्टर्ड था और उसको जो लाइसेंस मिला था वो भी एज अ फूड मिला था। तो इस एक्ट के आने के बाद से पान मसाला तो बिक सकता था, लेकिन टोबैको मिला के जो गुटका बेचा जाता था वो बैंड हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि 2011 में इंडिया के अंदर 24 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी में गुटका बैंड हो गया था। शरद पवार जो फॉर्मर CM थे महाराष्ट्र के, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था इसको बैन कराने में, क्योंकि उनको खुद गुटका खाने की वजह से कैंसर हो गया था और उनके मुंह की सर्जरी भी हुई थी। उन्होंने इसके बाद इसको बैन करने के लिए पार्लियामेंट तक में बात उठाई। अब देखिए, हम सबको पता तो है कि गुटका सिगरेट ये सब आदतें बहुत ही खराब होती हैं, बट आदत एक ऐसी चीज है जो आसानी से नहीं छूटती है। इसके लिए काफी स्ट्रांग विल और मोटिवेटेड रहने की जरूरत पड़ती है, और इस आदत को निकालने में आपकी मदद करेगा कुकू FM। यहाँ पे एक बाइट है मिनी हैबिट्स, जिसमें बताया गया है कि कैसे छोटी छोटी आदतों में चेंज करके आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो। लेकिन एक मिनट, ये बाइट क्या होती है? कुकू FM बाइट्स एक परफेक्ट सॉल्यूशन है आपके और मेरे जैसे बिजी लोगों के लिए, जिससे आप सिर्फ 15 मिनट में फुल बुक की नॉलेज ले सकते हो और अपने फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से कहीं भी सुन सकते हो। बाइट्स का जो नरेशन है वो इतना स्मूथ है कि आपको सुनने में मजा आएगा, और कब 15 मिनट में आप एक बुक कवर कर लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो कुकू बाइट्स के साथ सुनो तेजी से, बढ़ो तेजी से, और मेरे ऑडियंस मेरा कूपन कोड NR50 यूज करके फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन पे 50% डिस्काउंट ले सकती है, इंस्टेड ऑफ ₹99 की जगह सिर्फ ₹49 में। डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, जाके डाउनलोड करें। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो देखिए, रूल तो आ गया था इंडिया के अंदर, लेकिन इन टोबैको कंपनीज का जो मार्केट है वो 2022 का अगर मैं बताऊं आपको तो 43,410.2 करोड़ का था, और इतने पैसे वालों के लिए रूल्स होते नहीं है। इन्होंने दुनिया के बेस्ट माइंड्स को बुला के अलग अलग ट्रिक्स लगाई। पहली चीज इन्होंने ये की कि जितने भी पॉलिसी मेकर्स थे और गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे उसमें घुसना चालू किया, क्योंकि इनको पता था कि बिना गवर्नमेंट के लोगों को साथ में लिए इसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को करोड़ों में पार्टी फंडिंग की। इनफैक्ट जो टोबैको कंपनीज थी उसके अंदर गवर्नमेंट के ही शेयर्स निकले, वो अभी आगे विद प्रूफ दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले तो ये जो एक्ट आया था इसके अगेंस्ट में पहले तो ये सारी टोबैको कंपनीज जो थी ये कोर्ट में अपील करने गई, फिर जब बात बनी नहीं तो इन्होंने एक अलग तरीका निकाला। इन्होंने पान मसाला और प्रोसेस टोबैको का एक ट्विन पैक निकाला, मतलब कि पान मसाला अलग और टोबैको अलग, और बेचना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि जो पहले गुटखा खाने वाला था वो एक पैकेट जो है वो पान मसाला का खरीदेगा, फिर प्रोसेस टोबैको का खरीदेगा, और फिर दोनों को मिला के वही प्रोडक्ट बना लेगा जो ऑलरेडी बैंड है। फॉर एग्जाम्पल, जो मारुति गुटखा पहले मिलता था अब वो मारुति पान मसाला और उसके साथ साथ मारुति टोबैको या जर्दा नाम से दो पैकेट में मिलने लगा। पहले एक पैकेट में मिलता था, अब उसके दो पैकेट आने लगे और लोग जो थे वो दोनों को मिला के खाने लगे। और ऐसे करके हर कंपनी ने अपने ब्रांड को स्प्लिट किया। जैसे आपको शिखर गुटका मिलेगा, शिखर पान मसाला मिलेगा, शिखर फिल्टर खैनी भी मिलेगी, शिखर नॉर्मल टोबैको भी मिलेगा। इस तरीके से जो ब्रांड था उसने अपने प्रोडक्ट को स्प्लिट कर दिया। तो जो प्रोडक्ट बैंड हो चुका था, यानी कि गुटका जो बैंड हो रखा था, उसको बेचने का तो तरीका इन्होंने निकाल लिया था, लेकिन एडवर्टीजमेंट का तरीका इनको और निकालना था, क्योंकि जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं होगा प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं तो बिकेगा कैसे। तो इसके सॉल्यूशन में ये लोग लेके आए सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि गुटका सिगरेट अल्कोहल वगैरह जो थे ये तो बैंड थे, तो इन्होंने सेम गुटके जैसी पैकेजिंग कलर स्टाइल रेडी किया, बस गुटके की जगह सुपारी लिख दिया या फिर इलायची लिखना स्टार्ट कर दिया। ऐसे करके अलग अलग चीजें स्टार्ट कर दी लिखनी और उसको एडवर्टाइज करना शुरू किया। ऐसे ही अल्कोहल कंपनीज जो थी उन्होंने भी देखा देखी में सेम नाम से सोडा वगैरह निकालना स्टार्ट किया और एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दिया। कुछ ने तो म्यूजिक CD निकालना भी शुरू कर दिया। आपने वो एड देखा होगा, बहुत ही फेमस एड है, मैन विल बी मैन, इंपीरियल ब्लू म्यूजिक CD। किसी ने आज तक खरीदी है वो CD क्या, या किसी ने उस CD के गाने सुने हैं क्या? तो एक्चुअल में वो CDs वगैरह कहीं दिखी नहीं रही थी, कोई खरीद नहीं पा रहा था, बस वो ऐड हो रहे थे उसके, ताकि जो मेन प्रोडक्ट है उसको लाइमलाइट में लाया जा सके। आज भी आप देखोगे फ्लिपकार्ट Amazon सब पे सोल्ड आउट लगा हुआ है, इमेज लगी हुई है, आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअल में इनको अनसेड कम्युनिकेशन में अपना एल्कोहल का जो ऐड है वो करना है। ये मैन विल बी मैन वाला जो ऐड है ये सबको रटा हुआ है, लेकिन किस प्रोडक्ट के लिए था इसको लेके हर किसी को कन्फ्यूजन है, वो प्रोडक्ट कभी कोई खरीद ही नहीं पाता है। ऐसे ही 502 पटाखा जो बहुत ही पॉपुलर बीड़ी ब्रांड है उसने अपने आप को 502 पटाखा चाय से एंडोर्स करना शुरू कर दिया। ऐसे ही जगतजीत इंडस्ट्री जो थी उसने एरिस्टोक्रेट विस्की जो बनाते थे ये लोग उसकी जगह पे एरिस्टोक्रेट एप्पल जूस के नाम से ऐड करना चालू कर दिया। तो एरिस्टोक्रेट विस्की तो सबको याद है, लेकिन वो जो जूस है एरिस्टोक्रेट वो आज तक किसी ने नहीं पिया। तो ऐसे करोड़ों रुपए लगा के इन्होंने एड्स किए, और वो भी ऐसे प्रोडक्ट के ऐड किए जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था या मार्केट में अवेलेबल ही नहीं था। और ये सारी चीज इसलिए की गई जो उनका मेन टोबैको है जो अल्कोहल है वो प्रमोट हो सके। और जब अल्कोहल शॉप पे जब कोई जाए तो उसके मुंह से इंपीरियल ब्लू या फिर
एरिस्टोक्रेट, ये सारे नाम निकले। ऐसे ही रॉयल चैलेंज स्पोर्ट्स ड्रिंक, जिसका एड विराट कोहली करते हैं, ये भी आपको खरीदने को नहीं मिलेगी। रॉयल चैलेंजर नाम से पूरी टीम आईपीएल की बना दी गई, इसको लेके भी कोर्ट के अंदर कई लोग चले गए थे कि एक दारू के नाम से टीम बना रहे हो, इससे बहुत ज्यादा प्रमोशन होगा दारू का। लेकिन कोर्ट के अंदर ये लोग केस हार गए, क्योंकि जो टीम का नाम था उसमें एक एक्स्ट्रा एस ऐड कर दिया गया था, रॉयल चैलेंजर की जगह रॉयल चैलेंजर्स कर दिया गया था। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कम टाइम में जल्दी अटेंशन दिलवानी हो तो उसके लिए कंपनीज सेलिब्रिटीज को पकड़ती हैं। तो टोबैको कंपनीज ने भी ऐसा ही किया, इन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को मुंह मांगे पैसे दिए। अब देखिए, जनरली तो हीरो उसको कहते हैं जो लोगों की जान बचाता है, लेकिन हमारे जो हीरो थे वो बहुत ही आसानी से लोगों की जान दांव पे लगाने को रेडी हो गए पैसों के लिए। 2021 में अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह ने कमला पसंद इलायची के एंडोर्समेंट के लिए हाँ कर दिया। 2022 में शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, तीन बड़े सेलिब्रिटीज ने एक साथ विमल पान मसाला के ऐड के लिए हाँ कर दिया, और पूरे ऐड में इलायची बोला ही नहीं, बस साइड में छोटा सा लिखा था इलायची। ये आप देखोगे म्यूजिक सीडी के अंदर स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, इसका क्या मतलब हुआ, ये क्यों बोला जा रहा है? स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ऐसे बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। कोई बच्चा इलायची के चक्कर में टोबैको भी तो मांग सकता है, या गलती से खा भी तो सकता है टोबैको। अगर आप पान वाले के पास जाओगे तो लाइन से लड़ियां लगी होती है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। एक एडल्ट को 10 बार पूछना पड़ता है कि भैया कहीं तंबाकू तो नहीं मिला इसमें। जब एक एडल्ट को इतनी दिक्कत आ रही है तो एक बच्चा नहीं कंफ्यूज हो सकता ये सब एड्स देख के। प्रियंका चोपड़ा को यूएन में चाइल्ड राइट्स एंड एडोलसेंस हेल्थ का एम्बेसडर बनाया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने रजनीगंधा का ऐड किया। रजनीगंधा इंडिया के दो सबसे बड़े फेमस जर्दा ब्रांड है, तुलसी और बाबा, वो बनाती है। टीचर से एक बहुत बड़ी विस्की ब्रांड है, वो भी बनाती है। और प्रियंका चोपड़ा ने दोनों का ऐड किया। आलिया भट्ट ने ब्लेंडर स्प्राइट का ऐड किया। आई लोग डिफेंड तो करते हैं अपने आप को कि ये लोग गुटखा या फिर अल्कोहल का ऐड नहीं कर रहे हैं, ये लोग इलायची या फिर सोडे का ऐड कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कैसे कोई मान ले कि इनको पता ही नहीं है कि ये किस चीज का ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही पान बाहर के ऐड में टाइगर श्रॉफ, महेश बाबू, राशि इलायची के लिए सलमान खान, सिग्नेचर इलायची में ऋतिक रोशन, चैनी खैनी में मलाइका अरोरा, संजय दत्त, अनुष्का शर्मा, मनोज वाजपेयी, आप जो नाम लो सारे नाम मिल जाएंगे। कार्तिक आर्यन ने 15 करोड़ की डील को मना कर दिया था, वो कह रहे थे कि वो ऐसे ऐड नहीं करेंगे, लेकिन पहले जब उनके हालात टाइट थे तो उन्होंने और जैकलिन फर्नांडिस ने मैजिक मोमेंट का ऐड किया था, और उस ऐड में तो बोतल तक दिखाई गई थी, मतलब अल्कोहल की बोतल दिखाई गई थी, लेकिन ब्लर कर दिया गया था। पूरे देश की जनता ने इनको स्टार बनाया, लेकिन इन रिटर्न ये इंडिया के बच्चों के लिए कैंसर फैलाने का इंतजाम कर रहे हैं। आपका कोई छोटा भाई है या घर में कोई छोटा बच्चा हो तो आप उसको अगर किसी शराब पीने वाले या फिर सिगरेट पीने वाले या जुआ खेलने वाले दोस्त के साथ देखते हो तो आप उसको डांट देते हो कि इसके साथ मत घूम, क्योंकि आपको पता है कि जब तक उसको पता नहीं चलेगा तो उसको आदत कैसे पड़ेगी, इन सब चक्रों में पड़ेगा कैसे, तभी आप उससे दूर रहने के लिए कहते हो। लेकिन ये सब करने के बाद आप तुरंत टीवी खोल के इन हीरोज के ऐड दिखाते हो तो ताकि बच्चे को समझ में आए कि मुंह में रजनीगंधा डालने से दुनिया कदमों में आ जाती है। और ऐसा नहीं कि ये लोग खाली गुटखे का ऐड कर रहे हैं या फिर शराब का ऐड कर रहे हैं, ये लोग जुआ भी खिला रहे हैं आपको। कई सारे ब्रांड जो जुआ खिलाते हैं जैसे तीन पत्ती वगैरह, उसके ऐड करते हुए भी दिख जाएंगे ये लोग आपको। और ये तो तब है जब इनके पास ऑलरेडी काफी सारा पैसा है। अब सोच के देखिए, अगर ये गरीब होते तो उस केस में लोग किस किस चीज के लिए एग्री हो जाते, भगवान ही जाने। आपने अगर कोबरा पोस्ट का स्टिंग ऑपरेशन देखा होगा तो उसमें 36 सेलिब्रिटी इंक्लूडिंग सोनू सूद एग्री हो गए थे पैसा लेके पॉलिटिकल पार्टीज को प्रमोट करने के लिए। अभी भी वो सारी क्लिप्स यूट्यूब पे पड़ी हैं, आप देखिएगा जरूर। एक इमरान हाशमी थे जिन्होंने 2013 में 4 करोड़ के लिए एक अल्कोहल ब्रांड के लिए मना कर दिया था। लेकिन आज की डेट में अगर आप सच में किसी को रियल हीरो कह सकते हो तो वो है सचिन तेंदुलकर। इन्होंने अपनी 32 साल की पब्लिक लाइफ और 24 साल के क्रिकेट करियर में एक भी सरोगेट ऐड नहीं किया। सारी गुटखा कंपनी ने मुंह मांगा पैसा ऑफर किया, लेकिन सचिन ने कभी ऐसा नहीं किया। 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप था, उस टाइम में बीसीसीआई इतना अमीर नहीं था और क्रिकेटर्स के पास भी पैसा नहीं होता था। तो विल्स एक सिगरेट कंपनी है, उसने पूरे वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया था, लेकिन आप हैरान हो जाओगे कि सचिन ने उस वर्ल्ड कप में बिना स्पॉन्सर किए हुए बैट से खेला। उस बैट पे आप आज भी देखोगे वीडियो तो उस बैट पे कोई भी स्टिकर नहीं है, जबकि बाकी जितने खिलाड़ी थे वो सब रेडी हो गए थे ऐड करने के लिए। यूबी ग्रुप ने उस टाइम पे 20 करोड़ का ऑफर दिया था, एक सेकंड में मना कर दिया था सचिन तेंदुलकर ने। आईपीएल में भी जब प्लेयर्स एनुअल कमर्शियल्स के पैसे में से हिस्सा ले रहे थे तो सचिन ने ऐसे पैसे में हिस्सा लेने से भी मना कर दिया जो पैसा सरोगेट ऐड करने से आया हो। मूवीज में भी जो आप सिगरेट्स देखते हो उसके अंदर भी ये जो सिगरेट कंपनीज हैं मूवी के अंदर एक प्लान्ड तरीके से एडवर्टाइजमेंट को प्लेस करती हैं, और ऐसा क्यों करती हैं वो मैं बताता हूं आपको। फरवरी 2003 में WHO ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें बताया गया कि 76% इंडियन मूवीज ऐसी थी जिन्होंने 1991 से 2002 तक टोबैको के एड्स दिखाए, और 2005 की बात करें तो 89% मूवीज ऐसी थी जिन्होंने टोबैको सिगरेट इस तरीके से मूवी में प्रमोट किया। सोसाइटी फॉर न्यूरोसाइंस रिसर्च ने 17 लोगों पे एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें 17 स्मोकर्स और 17 नॉन स्मोकर्स को फंक्शनल MRI लगा के
fMRI लगा के मूवीज दिखाई, तो जो 17 स्मोकर्स थे, स्मोकिंग सीन आने पे मूवी के अंदर उनके ब्रेन के पैराइटल लोब में हैवी ब्रेन एक्टिविटी होने लगी। ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 89% से भी ज्यादा मूवीज में टोबैको के सीन होते हैं। इसकी वजह से ना जाने कितने लोग जो टोबैको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं फिर से पीने लग जाते हैं या फिर उनको बहुत दिक्कत होगी। इंडिया के अंदर हर साल 600 से 700 करोड़ रुपए सरोगेट एडवर्टीजमेंट पर लगाए जाते हैं, लेकिन ये जो सरोगेट एड करते हैं इंपीरियल ब्लू सीडी, एनर्जी ड्रिंक, इलायची वगैरह, इनसे ये इतने पैसे जनरेट नहीं कर सकते कि इतने बड़े बड़े स्टार्स को लेके सरोगेट ऐड करा सकें। एक्चुअल में ये इन सरोगेट प्रोडक्ट को मार्केट में उतार के अपने टोबैको बेचते हैं और फिर उस कमाए हुए पैसे से इन्हीं सरोगेट प्रोडक्ट्स में खर्च करते हैं। एक पान मसाला ब्रांड है पान पराग, ये लोग साल भर में जितने की सेल करते हैं उससे कई गुना ज्यादा पैसे का एडवर्टीजमेंट कर देते हैं। सिर्फ 2 TV चैनल्स पर ऐड करने की कॉस्ट जितनी आती है वो इनकी पूरे साल भर की सेल होती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रमोट कुछ और किया जा रहा है और प्रमोशन हो किसी और चीज का रहा है। मैं कहना क्या चाहता हूँ इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये चार्ट देखिए, इस चार्ट में एनुअली कितनी सेल होती है पान पराग की और वो एडवर्टीजमेंट से कितना कमाता है, दोनों डिटेल्स हैं। ये देखिए 6.37 करोड़ की टोटल एनुअल सेल हुई है और इस 6 करोड़ की सेल के लिए टोटल 24.46 करोड़ एडवर्टीजमेंट में खर्च किया गया है। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो बचा हुआ पैसा है किसी और की कमाई से पूरा किया जा रहा है। देखिए जो टोबैको का मार्केट है वो बहुत ही बड़ा है। 2023 में ही टोबैको प्रोडक्ट मार्केट के रेवेन्यू का लगभग $12,730 मिलियन का था। 2020 में सरकार ने सिर्फ सिगरेट की सेल से ₹356 मिलियन का टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया। जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी को मिला के सारे टोबैको प्रोडक्ट से एक साल में 53,750 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू जनरेट हुआ। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये जो टोबैको वगैरह ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इससे इतना फायदा होता है, इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, इसलिए कभी बंद नहीं होगा। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये घाटे का सौदा है और अभी मैं बताता हूं कैसे। तो देखिए टोबैको वगैरह की सेल से जो पैसा इकोनॉमी में ऐड होता है उससे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को लगाना होता है टोबैको से रिलेटेड जो डिजीज होती है उसके अगेंस्ट जो एडवर्टीजमेंट करने होते हैं उसमें। 2017 के डेटा से आपको बताता हूं, गवर्नमेंट का 2 लाख करोड़ टोबैको से रिलेटेड बीमारी जो होती है उसके हेल्थ केयर एक्सपेंसेस में चला गया। हमारी जीडीपी का 1.4 हिस्सा इसमें चला जाता है और इस टोटल टोबैको से जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है वो करीब 53,000 करोड़ का होता है। मतलब कि हर 100 रुपए जो टोबैको टैक्स से आता है उसके लिए हमारी इंडियन इकोनॉमी का 816 रुपीज खर्च होता है। तो पहले कई 100 करोड़ लगा के सरोगेट एड्स होते हैं, फिर इस चीज को लोग खाते हैं उससे टैक्स रेवेन्यू आता है और फिर जब लोग इसकी वजह से बीमार पड़ते हैं तो उसको सही करने में इसका 3 गुना पैसा लगता है और उसके बाद भी अवेयरनेस वगैरह फैलाने में और ज्यादा पैसा लगता है। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें गरीब जो गुटखा खाने वाला है उसको छोड़ के सबकी जेब में पैसे आते हैं। और गरीब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टोबैको के जो विक्टिम्स होते हैं वो मैक्सिमम गरीब होते हैं। एक तो इसको खाने से भूख नहीं लगती है, तो आदमियों के साथ साथ जो फीमेल वर्कर्स होती हैं वो भी इसको खाती हैं ताकि भूख ना लगे। और ये गरीब मजदूर होता है वो 8 घंटे की जॉब नहीं करता है, उससे ज्यादा काम कराया जाता है, 12-12 घंटे वो काम करता है। तो इसको खाने से टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए उसका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है, माइंड डाइवर्टेड रहता है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसको जो मेहनत कर रहा है वो उसमें इससे हेल्प मिल रही है। और सिगरेट वगैरह जो होती है, अल्कोहल वगैरह जो होता है उसमें हाथ एंगेज करने पड़ते हैं, लेकिन गुटखा जो खाता है वो इंसान मुंह में डाल के काम करता रहता है, तो ये जो मजदूर लोग होते हैं उनकी पहली पसंद होती है और ये सस्ता भी होता है। जितने भी सेलिब्रिटीज सरोगेट ऐड करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि जो गरीब है इसको अगर कैंसर हो गया तो इलाज नहीं करवा पाएगा, मर जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ये पूरे इंडिया के अंदर इसको प्रमोट करते हैं। और ये जो इस इंडस्ट्री का जो पूरा बिजनेस मॉडल है ये ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, लेकिन हर एक आदमी जो इसमें इन्वॉल्व है उसका मुनाफा इतना ज्यादा है कि लोगों की जान दांव पे लगा के पूरा बिजनेस मॉडल चल रहा है। इंडियन रेलवे हर साल 1200 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च करती है पान मसाला और गुटखे के जो निशान है स्टेशन से उनको हटाने के लिए। ये जो गुटखा और पान मसाला खा के जो लोग जगह जगह पे थूकते हैं इसकी वजह से टीबी जैसी एयरबॉर्न डिजीजेस होती है जो लाखों लोगों की जान रिस्क पे डाल देती है। लोगों ने गुटखा थूक थूक के इतने पुराने हावड़ा ब्रिज जैसे मजबूत पुल को भी कमजोर कर दिया, ज्यादा थूकने की वजह से उसका एक हिस्सा जो है वो वीक पड़ गया। और ये जो पान मसाला वगैरह है इस पे 28% जीएसटी लगता है, बहुत ज्यादा होता है और इसकी वजह से इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा टैक्स इन्वेजन भी होता है। दिसंबर 2015 में धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप जो रजनीगंधा के ओनर है इनके ऊपर चार्जेस थे कि इन्होंने फेक इनवॉइसेस बना के 90 करोड़ रुपीस का टैक्स इन्वेड किया और इसी चक्कर में DGCEI ने इनके जो डायरेक्टर थे उसको भी अरेस्ट कर लिया था। और कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं जो घूस लेके इनकी मदद करते हैं। सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर सोमेश मिश्रा को CBI ने अरेस्ट किया था क्योंकि वो इन इंडस्ट्री वालों की मदद कर रहे थे टैक्स इन्वेजन में। यही रीजन है कि जो पूरी इंडस्ट्री है इसके अंदर सबसे ज्यादा छापेमारी चलती है टैक्स इन्वेजन को लेके। एक बार तमिलनाडु में टैक्स इन्वेजन को लेके टोबैको डीलर माधव राव के घर में एजेंसीज ने छापा मारा था तो वहां पे डायरी पकड़ी गई जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों के पास जो पैसे जाते थे हर महीने उसका हिसाब लिखा था। उस डायरी को जब पकड़ा गया तो उसमें पता चला कि कई महीनों तक 40 करोड़ रुपए के करीब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को घूस खिलाई गई जिसमें स्टेट हेल्थ मिनिस्टर CVJ भास्कर, फॉर्मर पुलिस कमिश्नर TK राजेंद्र
और एस जॉर्ज इनका भी नाम था। इसमें सीएसआर फंड का जो पैसा है उसको घुमा के भी टैक्स बचाया जाता है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स क्लासमेट की जो नोटबुक यूज करते हैं उसके पीछे एक मैसेज लिखा होता है कि हर नोटबुक की सेल पे कुछ पैसा जो है वो गरीब बच्चों की एजुकेशन में जाएगा। तो ये जो क्लासमेट है ये जो आईटीसी टोबैको कंपनी है इसी की है। तो एक तरफ तो ये टोबैको बेचते हैं और दूसरी तरफ सोसाइटी के कॉज के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सब ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए रूल्स हैं कि अगर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है या फिर 5 करोड़ नेट प्रॉफिट हो या फिर 1000 करोड़ का टर्नओवर हो उसको सीएसआर यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपने प्रॉफिट का 2% खर्च करना होता है सोसाइटी वगैरह पे। तो ये लोग चाइल्ड एजुकेशन या फिर किसी और कॉज में लगा लेती हैं। ये सब करने के साथ साथ ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको ये डोनेशन भी देती हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2010-2011 में आईटीसी लिमिटेड ने कांग्रेस को 3 करोड़ की डोनेशन दी, बीजेपी को 2.5 करोड़ की और समाजवादी पार्टी को 42 लाख की, द राष्ट्रीय जनता दल को 33 लाख की, शिवसेना को 17 लाख की और 2018 और 19 की बात करें तो उसमें बीजेपी को 23 करोड़ रुपए दिए गए। 2019-2020 में आईटीसी ने कांग्रेस को 20 करोड़ रुपए दिए। जो पार्टी पावर में होती है उसका अमाउंट ये थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, बाकी ये डोनेशन सबको करते हैं। इंडिया के अंदर इतने सारे कॉज हैं, इतने सारे वृद्ध आश्रम हैं, इन सबको छोड़ के ये इन पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों पैसा देती है, इनको क्यों फंड करती है, इसके बदले में इनको मिलता क्या है? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली की रिपोर्ट के हिसाब से आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप जो इंडिया की बहुत बड़ी सिगरेट कंपनी है इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट शेयर होल्डिंग थी। 31 मार्च 2010 तक जो इंडियन टोबैको कंपनी आईटीसी है उसके टॉप 10 शेयर होल्डर्स में से 6 कंपनियां गवर्नमेंट की निकली। मतलब कि आईटीसी जो इंडिया की सबसे बड़ी तंबाकू की कंपनी है उसमें 33.19% शेयर जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं। मतलब कि जब सिगरेट बिकती है तो गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होता है उसका। और इस चीज को लेकर 2011 में डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं उन्होंने एक आरटीआई डाली तो उसमें पता चला कि एलआईसी ने अपने 3600 करोड़ रुपीज आईटीसी में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बनाया है। और आप आयरनी देखिए, इसके साथ साथ एलआईसी जो है वो टोबैको खाने वालों से इंश्योरेंस पॉलिसी का ज्यादा प्रीमियम लेती है। 2017 में टाटा ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी आर वेंकटा रमन और सुमिता ने कोर्ट में पीआईएल डाली कि ये कोई सेंस ही नहीं बनता कि एक तरफ गवर्नमेंट टोबैको की वजह से हुए हेल्थ इश्यूज के लिए लड़ रही है और दूसरी तरफ उन्हीं टोबैको कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है और मुनाफा बना रही है। इसके जवाब में एलआईसी ने कहा कि देखिए ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जिसमें एलआईसी कंपनी टोबैको कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती और दूसरी चीज़ ये है कि ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे होती हैं और ये बोल के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इंडिया की सबसे बड़ी टोबैको कंपनी का 1/3 हिस्सा गवर्नमेंट के पास है। मतलब कि सिगरेट अगर बिकेगी तो गवर्नमेंट का मुनाफा है और गवर्नमेंट को अपने मुनाफे के अगेंस्ट में ही पॉलिसी लानी है। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट पब्लिक से टोबैको यूज करने के लिए मना कर रही है, इसको रोकने के लिए दुनिया भर के एड में पैसे खर्च कर रही है और वहीं पीछे से सिगरेट बेच के पैसा बना रही है। और एथिकली भी कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल FCTC पे पहले से ही साइन कर रखा है। इसके रूल के हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो टोबैको में इन्वेस्ट नहीं कर सकती। और इन्वेस्ट करना तो छोड़ो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ ऐसी कंपनियां चलाती हैं जो टोबैको को डायरेक्ट प्रमोट करती हैं, जैसे मैसूर टोबैको कंपनी। और इसी की तरह एक गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो टोबैको को प्रमोट करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं किया गया, यहां तक कि 2011 में आईटीसी के चेयरमैन को पद्म भूषण भी दिया गया, 2012 में आईटीसी के चेयरमैन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में भी मेंबर अपॉइंट किया गया था। और जो अलग अलग पार्टीज के बड़े बड़े लॉयर्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट में टोबैको कंपनीज के केस लड़ने में भी मदद करते हैं, जैसे कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी के अरुण जेटली, इन्होंने इन टोबैको कंपनीज के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके केस भी लड़े हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ऐसे भी हैं जो टोबैको प्रोडक्शन में और मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, जैसे एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल जो है वो CJBD कंपनी के डायरेक्टर हैं। और आप आयरनी देखिए, इसके बाद भी वो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर थे जिसने ये डिसाइड किया कि टोबैको पैकेट के ऊपर जो वार्निंग होगी उसका पिक्चर कैसा होगा। और जब इंडिया का इतना बड़ा सिगरेट मैन्युफैक्चरर पॉलिटिकल पार्टीज को इतना पैसा दे रहा है, इतनी अंदर तक पकड़ है उसकी, अब आप सोच सकते हो कि जो पॉलिसी बनेगी वो इनके हक में क्यों नहीं बनेगी। और इसके साथ साथ कई ऐसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हैं जो तेंदू लीफ होता है जिससे बीड़ी का रोल बनता है उसको बेच के प्रॉफिट बना रहे हैं। देखिए, हर किसी को पता है जो पूरा टोबैको बिजनेस का मॉडल है ये घाटे का सौदा है, लेकिन उसके बाद भी ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियंस हैं, इन सबका इतना फायदा हो रहा है कि इस टोबैको इंडस्ट्री को खत्म ही नहीं होने देने। अब क्योंकि ये जो पैसा घूम रहा है इससे फायदा तो हर किसी का हो रहा है और जो नुकसान वाली बात है वो गरीब को झेलनी है, जान तो उसकी दाव पे लगी है तो क्या ही बड़ी बात है। आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पान मसाला वगैरह का एड करते हैं ये खुद खाते होंगे क्या? अब तो कुछ पान मसाला बनाने वाली कंपनीज की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो झूठ बोलने लगी है। आपने सुना होगा अपने यार दोस्त में कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग गुटखा नहीं खाते, हम तो पान मसाला खाते हैं।
तो उसके बारे में भी सुन लीजिए। देखिए पहली चीज तो एक ऑर्गेनिक पान का पत्ता छोड़ के कुछ भी आप खाते हैं आपके लिए नुकसान ही करता है। ये जो सुपारी होती है लोग बड़े मजे से खाते हैं, WHO ने इसको एक कंफर्म्ड सब्सटेंस बताया है कैंसर के लिए। ज्यादा खाने से इसको इनसेंसिटिविटी बढ़ जाती है, स्पाइसी फूड खाने में दिक्कत होती है और आगे चल के कैंसर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज, ये जो एक एक दो दो रुपए की ये जो पान मसाले की पुड़िया मिलती है इनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा चले, ये ज्यादा दिन तक चले, इसलिए इसमें मैग्नीशियम डाला जाता है और आप बार बार इसको खाओ आपको इसकी आदत लगे और धीरे धीरे करके आप गुटके पे शिफ्ट हो, इसके लिए इसमें निकोटीन यूज होता है। और ये दोनों प्रोडक्ट बैन है लेकिन उसके बाद भी ये कंपनीज इसमें डालती हैं, इसको यूज करती हैं इसमें। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 15 कंपनियों के ऊपर छापे पड़े तो इनकी जब लैब टेस्टिंग हुई तो उसके अंदर मैग्नीशियम और निकोटीन दोनों पाए गए। और इसके बाद भी ये लोग रुक नहीं रहे, इन्होंने एक नया तरीका निकाला है। लाइम पाउडर के साथ इन्होंने कुछ ऐसे केमिकल्स यूज करना शुरू कर दिए हैं जो शुरू में मैग्नीशियम नहीं दिखाएंगे लेकिन जब आप उसको मिक्स करेंगे और खाएंगे तब वो मैग्नीशियम बन जाएगा। मतलब कि जो प्रोडक्ट बैन है वो मुंह में जाने के बाद बनेगा, इसलिए उसकी टेस्टिंग ही नहीं हो सकती। और ये जो बोलते हैं ना कि हम खाली पान मसाला खा लेते हैं, ओकेजनली खाते हैं, गुटखा नहीं खाते हैं, उनको समझाइएगा कि इससे प्री मलिग्नेंट कंडीशन शुरू हो जाती है। इसलिए आप देखोगे पान मसाला और गुटखा खाने वालों के मुंह इतना छोटा हो जाता है कि फोर फिंगर टेस्ट तक में फेल हो जाते हैं, मुंह ही नहीं खुल पाता है। विनय तिवारी नाम के गुटखा बिजनेसमैन थे पहले, जिनको 2011 में ओरल कैंसर हो गया और इस ओरल कैंसर होने के बाद इन्होंने इस पूरी गुटखा इंडस्ट्री की पोली खोल दी। इन्होंने ये कहा कि गुटखा महंगा ज्यादा नहीं किया जा सकता क्योंकि जो लो क्लास इसको खाता है उसको खरीदना बंद कर देगा, सेल पे बहुत ड्रास्टिक फर्क आ जाएगा, इसलिए इसको महंगा नहीं किया जा सकता। इसलिए असली इंग्रेडिएंट्स यूज करने की बजाय जैसे कत्था होता है उसकी जगह पे मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज कर लिया जाता है, गैम्बेर और भी कई सारे केमिकल यूज किए जाते हैं जो खाने के लिए बने ही नहीं है, उनको सिर्फ इसलिए डाला जाता है ताकि गुटखे का फ्लेवर मेंटेन हो। और इन्होंने ये कहा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी मजबूरी है क्योंकि वरना पैसा बढ़ाना पड़ जाएगा, इनका नुकसान हो जाएगा। इन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी अगर लॉजिक लगाएगा तो उसको पता चल जाएगा ये जो केसर फ्लेवर्ड गुटखा है, इलायची या गुलाब गुटखा है, इसको कंपनी 1-2 रुपए में कैसे बेच सकती है। 1 किलो केसर की जो कॉस्ट होती है वो लाखों में होती है लेकिन उसका जो केमिकल सब्स्टिट्यूट होता है वो 2300 रुपए किलो में मिल जाता है। इलायची का जो केमिकल फ्लेवर होता है वो 1500 रुपए पर केजी में मिल जाता है जबकि असली इलायची आपको भी पता बहुत महंगी आती है। और आपस में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि जितने गुटखा मैन्युफैक्चरर हैं उनकी मजबूरी बन गई है ऐसे केमिकल सब्स्टिट्यूट्स को यूज करना जिनकी वजह से कैंसर होते हैं, हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ये जो गुटखा वगैरह खाते समय जो फ्लेवर्ड का जो टेस्ट आता है ये सारा का सारा नॉन फ्रूट ग्रेड केमिकल से बनता है जो कि चाइना से आता है। नॉन फ्रूट ग्रेड केमिकल कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसी चीज जो खाने के लिए बनी ही नहीं है। एक तो टोबैको अपने आप में इतना ज्यादा खतरनाक चीज होती है और उसमें ये जो केमिकल मिला दिए जाते हैं उससे ये और खतरनाक हो जाता है। इंडिया के अंदर 27 करोड़ लोग किसी ना किसी तरीके से टोबैको को कंज्यूम कर रहे हैं और स्टडी के हिसाब से हर तीसरा बंदा, मतलब अगर 3 लोग टोबैको खा रहे हैं तो उसमें से हर तीसरा बंदा टोबैको की वजह से अपनी जान खो देता है। और इस डिटेल के हिसाब से इंडिया के अंदर 90 मिलियन लोगों की जान अभी खतरे में पड़ी हुई है। अगर आपके घर में कोई खाता होगा तो उसको समझाइएगा जरूर। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं कि कुकू एफएम की बाइट मिनी हैबिट्स एक बार जरूर सुनिएगा, विद इन 15 मिनट आपको पूरी बुक की नॉलेज मिल जाएगी। थैंक यू।